नमस्कार दोस्तों, आज मैं बीबी गिरी श्रम संस्थान नोएडा में उपस्थित हूँ और यहाँ ही बहुत ही अच्छे शुभ कार्य के लिए आए हैं। 5 दिनों का ट्रेनिंग है और ये ट्रेनिंग खासकर असंगठित मजदूरों के लिए आयोजित किया गया, जिसमें सारे मजदूर भाइयों के लिए सेमिनार में बातें रखी गई, उनकी समस्याएं रखी गई, समस्याओं का निराकरण के लिए भी काफ़ी कुछ चर्चा हुई। आज का जो मेन सब्जेक्ट रहा वो ये रहा कि इनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जाए और इनकी मूलभूत जो समस्या है वो मैं आपको 2 शब्दों में बता दूं कि इनकी मूलभूत समस्या है कि यदि ऐसे मजदूर किसी कोई दिक्कत में या किसी ट्रेजेडी में कोई उनको कष्ट हो जाता है, अपंगता हो जाती है या जो भी समस्या अगर उनके आ गई, तो वो किसी भी हालत में उसका मुआवजा लेने के लिए सक्षम नहीं रहते, क्योंकि ये कहीं 4 दिन यहाँ काम करते हैं, 5 दिन वहाँ काम करते हैं। जैसे रिक्शा चालक हुआ, पेंटर हुआ, वैसे एक्चुअली मैं पेंटर हूँ, तो इस तरीके से मजदूर जैसे टोकरी बुनकर हुआ, पनवाड़ी हुआ, पान बेचने वाला हुआ, या जो भी हमारे देश में कार्यकर्ता, 2 तरीके से कार्यकर्ता होते हैं, कर्म करने वाले मजदूर 2 तरीके से होते हैं। एक तो वो जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी एक सिस्टम से जुड़े होते हैं, जो जिनका वेतन एक सिस्टम से मिलता है, लिखा पढ़ी के साथ मिलता है, और एक ऐसा होता है कि 4 दिन काम किया, 200 आज मिल गए, 500 कल मिल गए, 4 दिन बाद उसको पेमेंट मान लीजिए हो गई, लेकिन किसी दशा में अगर कोई किसी गलती के कारण या किसी भी प्रकार उसका पैसा नहीं मिलता, तो वो फोर्सली उसके पैसा लेने का हकदार तो होता है, लेकिन ऐसा उसके पास कोई जरिया नहीं है जो फोर्सली पैसा ले सके। ऐसी मजदूरों की समस्याओं के लिए आज 3रा दिन था, 29 सितंबर को इस संबंध में चर्चा हुई और काफ़ी कुछ ज्ञान हुआ कि इन समस्या से कैसे लोगों का उद्धार हो रहा। सारा काम जो आपका काम न बन रहा हो या बन रहा हो, हर तरीके से असंगठित मजदूर ही उसमें पेरा जाता है, जिसकी तनख्वाह और उसकी समय सीमा की कोई गारंटी नहीं, और ऐसे मजदूर की कोई जिम्मेवारी भी नहीं लेने को तैयार। अगर पैसा नहीं उसका मिलने वाला है तो उसका कोई सिफारिश भी नहीं काम करती, क्योंकि उसका लिखित कोई प्रमाण नहीं है। एक असंगठित मजदूर किसी कंपनी में काम करने जाता है और वो 10 दिन काम करता है और कंपनी उसको वो स्लिप भी मुहैया नहीं कराती, जिसमें वो साइन कंपनी करती या वो मजदूर करती। और जब हम कोर्ट का सहारा या कहीं से किसी कोर्ट का सहारा लेते हैं या किसी कानून का सहारा लेते हैं, तो सबसे पहले उसमें लिखा हुआ मांगते हैं कि भाई बताओ आपने वहाँ काम किया कि नहीं किया, और जब काम किया है तो उसका लिखित प्रमाण दीजिए, और लिखित प्रमाण असंगठित मजदूर के साथ नहीं होता। सपोज दैट मैं एज एक असंगठित मजदूर हूँ, पेंटर हूँ माना, और मैं किसी सेठ के यहाँ काम करने गया, मैंने 10 दिन काम किया, 5,000 का काम हुआ, वो कह रहा है अरे नहीं तूने तो 2-3 दिन घंटे काम किया भाई, हम तुझे 5,000 क्यों दे दूं, और इसका प्रमाण मेरे पास नहीं, क्योंकि वो काम कराने वाला मालिक इस तरीके का कोई इशू हमें प्रमाणित नहीं करता कि मैं उसके यहाँ काम किया। इतनी बड़ी घोर समस्या हमारे देश में असंगठित मजदूरों के लिए है, जिसके लिए आज हमारे समाज में हम असंगठित लोगों को एक साथ मिलकर अपनी आवाज़ उठा।